हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को खत्म किया था, ठीक है। हमने कुछ उसमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करे थे। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है स्पेसिफिक एमसीक्यू के अंदर, रेक्टिफिकेशन के अंदर, वो आप मुझे भेज सकते हो और हम उसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं सिक्वेंस में चल रहा हूं तो वो क्या आपका डीआरएस, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करूंगा आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बीआरएस है, इससे भी क्वेश्चन आपके पास पक्का आने एग्जाम के अंदर। तो भाई, इस टॉपिक को तो हम फिर छोड़ नहीं सकते ना, ठीक है जी। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मेरा मानना यह है हमेशा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है, एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो एमसीक्यू आप करके भी फायदा नहीं है आपको, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू अपने आप सॉल्व हो जाने चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एमसीक्यू के अंदर। और मैं तो चाहूंगा कि आप फुल मार्क्स लेकर आओ, मुझे बताओ, ठीक है जी। तो ये चीज है, मुझे आपसे क्या चाहिए, आपसे एक आपका डेडिकेशन चाहिए, अच्छे से आप अच्छे से स्टडीज करो, अच्छे से पढ़ो आप बेटा, ठीक है। आप फुल मार्क्स लेकर आओ। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके इसके अंदर कि जहां पे आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ के अंदर, ठीक है, अपना ड्रीम होगा कि 100% मार्क्स लेकर आने। अगर मान लो वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है आपके पास अपने ड्रीम को पूरा करने के अंदर कि अपने अकाउंट्स के अंदर 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है जी। इसी मोटो के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी मोटो के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आइए जी, हम स्टार्ट करते जल्दी से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है जी। आज हम चैप्टर टू, जिसका नाम है क्या बेटा आपका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए जी, जल्दी जल्दी आप सब भी लिखना स्टार्ट करो। बिल्कुल कोई बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करेगा ये सोच के कि मुझे आता है बेटा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा इसके अंदर जहां से आपकी नॉलेज बेस फिर दोबारा इंक्रीज होगा, साथ में आपके एमसीक्यूज इजी हो जाएंगे, ठीक है जी। नंबर वन, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि रिकंसिलिएशन क्या होता है, एक रेक्टिफिकेशन टाइप होता है जी, ठीक है। रिकंसिलिएशन आपका रेक्टिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है आपका, इट इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं टू चेक दैट फिगर्स आर करेक्ट एंड इन एग्रीमेंट, फिगर्स आर करेक्ट एंड इन एग्रीमेंट, मतलब फिगर्स जो है वो एकदम करेक्ट है और साथ में एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन को लेकर आपके बाइंड अगर मत हो कि बैंक का रिकंसिलिएशन होता है खाली, ऐसा नहीं है। रिकंसिलिएशन आप पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी आप करते हो। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आप दो फ्रेंड्स हो, दो फ्रेंड्स आप घूमने गए, ठीक है। फ्रेंड वन फ्रेंड टू, दोनों आप घूमने गए, 4-5 दिन की आपने ट्रिप करी। अब 4-5 दिन की जब आप ट्रिप करी, दोनों फ्रेंड्स ने कुछ एक्सपेंसेस करे, ठीक है। अब दोनों फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उन एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और जब आप ट्रिप से घूम के आए, दोनों मिलके बैठे और दोनों ने क्या करा, अपने अपने बैठे जो रिकॉर्ड्स थे वो बाहर निकाले, बैठ के करने लगे, आप कंपेयर करने लग गए। आप कंपेयर यहाँ पे क्यों कर रहे हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दूसरे की गलती निकालना? नहीं जी, ऑब्जेक्टिव ये है आपका कि फिगर्स हम दोनों ने रिकॉर्ड करी है वो करेक्ट हो और साथ में एग्री कर रही हूं। अगर हो सकता है कुछ खर्चा एक फ्रेंड रिकॉर्ड करना भूल गया हो, दूसरा खर्चा कुछ और फ्रेंड करना रिकॉर्ड करना भूल गया, दोनों बैठेंगे और रिकंसाइल करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे जी, ठीक है जी। तो ये चीजें देख, उसके बाद आप सबको बताओ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में से फॉर एग्जाम्पल पार्टनर वन एंड पार्टनर टू दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, मतलब दोनों ज्योग्राफिकली अलग हैं। अब ज्योग्राफिकली अलग होने की वजह से, ठीक है,
जो दोनों लोग हैं वो अपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, या दोनों रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बट जब वो ईयर एंड में या मंथ के एंड में या आपका 6 मंथ्स के एंड में मिलते हैं, बैठ के करते हैं रिकनसाइल करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को कि आपने दिखाओ कि आपने ये क्या रिकॉर्ड करा, मैं दिखाऊंगा मैंने ये क्या रिकॉर्ड करा, ठीक है। जो पर्सन कुछ भूल गया रिकॉर्ड करना, हम रिकॉर्ड कर लेंगे बैठ के साथ में, और ताकि हमारी जो फिगर्स हैं वो क्या कर जाए, एग्री कर जाए, टैली कर जाए, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई। तो रिकंसिलेशन कोई आपका सिर्फ बैंक के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज नहीं होता, रिकंसिलेशन बैंक के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है वर्ड, ठीक है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आपका वर्ड, ठीक है। बस आप ये वर्ड फॉर्मली यूज करते नहीं हो, ठीक है। तो रिकंसाइल करना समझ गया आप क्या होता है, रिकंसाइल करना मतलब क्या हो गया, दैट इज जब दो रिकॉर्ड्स को हम साथ में बैठ के कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो सेम ही रिकॉर्ड है दोनों, बस अलग अलग पार्टीज ने उसको बना रखा है, ठीक है। तो हम ये चेक कर रहे हैं दोनों ने सही तरीके से उनको रिकॉर्ड करा है या नहीं करा, ठीक है जी। सर सर यहां तक ये बात हमें समझ आती है अच्छे से सर, ठीक है जी। आपको समझ आती है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन, टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन। सर हमें तो बताया गया था कि रिकंसिलेशन जो होती है बैंक की होती है, बेटा बैंक की तो होती है वो मुझे पता है, उसके अलावा और बहुत सारी रिकंसिलेशन होती है बिजनेस की लाइफ में, ठीक है। नंबर वन जो आप सबने देखा आज क्लास 11th में भी और उसके बाद भी, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या देखा हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर इसमें क्या होता है, बैंक और कस्टमर, बैंक और कस्टमर दो अलग अलग पार्टीज हो गई, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन के। बैंक क्या मेंटेन कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पासबुक। और हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, कैश बुक, ठीक है। और कैश बुक के अंदर कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम पे हम ध्यान देंगे, कैश कॉलम से कोई लिंक यहां पर नहीं है जी, ठीक है। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बैंक कॉलम की, ठीक है सर, बात समझ आ गई हमें, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहां पे कंपेयर करते हैं कि बैंक ने क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हमारे, हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, ठीक है। और इस केस में अगर कोई वेरियंस आ रहा है, मतलब कोई डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बीआरएस के अंदर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, दैट इज नेक्स्ट हो गया आपका स्टॉक रिकंसिलेशन। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा आपका, स्टॉक रिकंसिलेशन, सर स्टॉक रिकंसिलेशन, हां जी बेटा। इसमें क्या होता है सर, इसमें आपका जो फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक का मतलब जो आपके गोडाउन के अंदर, स्टोर के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, और जो स्टॉक एज पर बुक्स है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो बुक्स के अंदर स्टॉक दिखा रहे हैं, जो फिजिकली स्टॉक आपका पड़ा है, क्या वो दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिकंसिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड स्टॉक रिकंसिलेशन, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला आपको, नंबर थ्री कैश रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, फिजिकल कैश मतलब जो हमारे पास अभी एज ऑन डेट पड़ा हुआ है, और कैश एज पर बुक्स कितना शो हो रहा है, हम जाके ये करते हैं कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए जो हम बुक्स के अंदर कैश शो कर रहे हैं, जो कैश एक्चुअल में हमारे पास है, क्या दोनों सेम है या नहीं, दोनों एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एग्री नहीं कर रहे तो हम उसका रीजन पूछते हैं, किससे पूछेंगे, कैशियर से, तो बताएगा हमें रीजन, उस रीजन को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रीजन को जब रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलेंगे कैश रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिकंसिलेशन बहुत टाइप की होती है, उसमें तीन एग्जांपल मैंने दिए, बैंक रिकंसिलेशन, स्टॉक रिकंसिलेशन, कैश रिकंसिलेशन, ठीक है। ये क्या है आपका, ये किसका पार्ट है, आपकी ऑडिट का पार्ट है। जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है अकाउंट्स की, तो ऑडिट करने की कुछ टेक्निक्स होती है, उनमें से एक टेक्निक क्या है, रिकंसिलेशन, ठीक है जी। तो आपके ऑडिट में भी ये पॉइंट आ सकता है, आप ध्यान से अगर ऑडिट को आपने पढ़ा हो तो वहां पर ये वाला पॉइंट पक्का आया होगा आपका, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलेशन, ठीक है सर। हम समझ गए रिकंसिलेशन क्या होता है सर, अब आगे बढ़ेंगे आप, हाँ जी बेटा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपके सब्जेक्ट मैटर पे हम आते हैं जी, ठीक है सर। आइए सर, हम लिखते हैं किसके बारे में, सर बैंक
रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर हम क्या लिख रहे हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रिपेयर्स टू शो दी रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ओके जी सर। सर आपने बताया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रिपेयर्स टू शो द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। हां जी बेटा मैंने बताया आपको, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी, दैट इज कॉल्ड बीआरएस, दैट इज कॉल्ड बीआरएस। बीआरएस में हम क्या करते हैं, बीआरएस के अंदर एक हमारे पास कैश बुक होती है और एक हमारे पास पासबुक होती है, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि वाई देयर इज डिफरेंस, वाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है सर, ठीक है जी। अब हमें बात करते हैं हम बीआरएस की, तो बीआरएस बनाने के लिए, बीआरएस बनाने के लिए हमें दो टाइप की स्टेटस बुक्स की रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। एक रिकॉर्ड होता है हमारा कैश बुक, ठीक है जी। कैश बुक के अंदर अब मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, और एक होता है हमारा पासबुक। कैश बुक के अंदर हम कोई चीज अगर डेबिट करते हैं या बोल रहे हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस बैलेंस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पासबुक का डेबिट का मतलब क्या, माइनस वाला बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या, पॉजिटिव बैलेंस। आइए साथ समझ। तो कैश बुक हो गई और ये क्या हो गई आपकी, पासबुक हो गई। तो कैश बुक होगी, कैश बुक में डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है। पासबुक के रेस्पेक्ट में उल्टा हो जाता है, डेबिट मतलब पासबुक से आपका अकाउंट, आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुआ, डेबिट मतलब माइनस हुआ। आपने बहुत बार, आपने अगर आपके घर में भी आपके पास थोड़ा सा आप कनेक्टेड हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो बैंक से एसएमएस आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है। आपका अकाउंट वहां पे क्रेडिट हो रहा है तो प्लस हो रहा है, ठीक है। वहां पे डेबिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। पर कैश बुक में उल्टा होता है, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, ऐड कर रहे हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी, चलिए जी, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, जो बातें आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होनी चाहिए बीआरएस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बातें क्या क्या है, आओ जी हम देखते हैं जल्दी से। बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो अभी मैं यहां पे भी आपने जो फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा तो पूरी पूरी बातें बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। बहुत बच्चों को मैं देख रहा था कि मैंने ग्रुप में चेक करा, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स को लेकर, उनके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो वो भी मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात आपको समझनी पड़ेगी, बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बीआरएस अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ना वो जर्नल है, ना वो लेजर है, ना ट्रायल बैलेंस है। ये सिर्फ एक हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल पर्पस के लिए ये चेक कर रहे हैं कि व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, कि बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस कुछ और हमारे हिसाब से हमारा बैलेंस कुछ और है, ठीक है। ईयर एंड में या मंथ के एंड में क्या होता है, जो ऑनर होता है बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगाता है और कैशियर से कैश बुक मंगाता है और कंपेयर करता है और देखता है कि दोनों के बैलेंस क्या रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो वो जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहता है, ठीक है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या किस चीज की, दैट इज की व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। उस
प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक क्या टूल है, वो टूल क्या है, बीआरएस, कि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, फ्रॉड या एरर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए हम बीआरएस साथ में सप्लीमेंट में रखते हैं अपना, सिर्फ किसके लिए, इंटरनल पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। बाहर वालों को बीआरएस शो नहीं होती। जब आपने पढ़ा होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स, तो बीआरएस एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं होती, बीआरएस सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है। वो बात समझ आ रही है? जी सर। तो एक बात और लिख लो बड़ी बड़ी, हां जी सर लिख लिए सर, बीआरएस इज फॉर इंटरनल पर्पस। बीआरएस किसके लिए होती है सर? इंटरनल पर्पस के लिए होती है, एक्सटर्नल पर्पस के लिए बीआरएस नहीं होती। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, इवन एट द एंड ऑफ वीक। ठीक है, तो आप ईयरली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, वीकली भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं आपके बैंक के साथ। आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है बैंक के साथ, तो हो सकता है आप क्या करोगे, वीक के एंड में बनाओगे, या फिर उसके मंथ के एंड में बनाओगे, हो सकता है क्वार्टर के एंड में बनाओगे। ठीक है, बहुत लेट नहीं करते, ईयरली बना रहे, ईयरली बहुत रेयर ऑफ रेयरस्ट केस में होता है आपका। पर जनरली जो बीआरएस बनता है आपका, वो बनता है क्या आपका, वीकली मंथली बेसिस के ऊपर बिजनेस के अंदर, या मैक्सिमम 15 डेज के अंदर बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो, करनी पड़ती है जी आपको। अदरवाइज कुछ चेक रहेगा, आप कुछ ट्रांजेक्शन हमने करा वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो सब चीजों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस प्रिपेयर करते हैं जी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या क्वेश्चन आ सकता है, और आप मुझे उसको आंसर करोगे। आप बताओ बेटा मुझे कि बीआरएस कौन प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर करता है या कस्टमर प्रिपेयर करता है, कौन प्रिपेयर करता है बीआरएस, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी सोचो सोचो, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। पर आप मन में सोच रहे हो सर हमने तो हमारे घर में आज तक बीआरएस कभी प्रिपेयर करी नहीं, हमारे पेरेंट्स को तो बीआरएस आती ही नहीं है, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा कस्टमर का मतलब यहां पे क्या हुआ, वो कस्टमर जो बिजनेस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जिसका बैंक के साथ क्या है, बैंक के साथ करंट अकाउंट है बेटा, जिसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंक के साथ, तो सिर्फ वो बिजनेस जो है क्या करेगा आपका, दैट इज आपका बीआरएस प्रिपेयर करेगा। हम घर में कभी बीआरएस प्रिपेयर नहीं करते, बीआरएस बिजनेस के लिए होती है, तो इसलिए बिजनेस वाला जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के जो बिजनेस वाले कस्टमर होते हैं, सिर्फ वो ही बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, और कोई बीआरएस प्रिपेयर नहीं करता। जी सर, समझ आ गई सर ये वाली बात। चलो जी आगे बढ़े हम। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जी, आइए जी, नेक्स्ट आ जाओ। बैंक विल नॉट प्रिपेयर बीआरएस फॉर इट्स कस्टमर। बैंक के पास तो करोड़ों कस्टमर है, हर कस्टमर से थोड़ी उसकी कैश बुक मंगाएगा बैंक और उसकी बीआरएस प्रिपेयर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर क्या करता है बैंक जो है, दैट इज कस्टमर्स की बीआरएस प्रिपेयर नहीं करता, आप समझो। ठीक है, ये कस्टमर्स के पास एक या दो या तीन बैंक होंगे, तो कस्टमर्स को करने दो ना बीआरएस प्रिपेयर, वो भी कौन से वाले, बिजनेस वाले। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाइए सर। ठीक है, बीआरएस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, आपको क्लास 11th के अंदर बीआरएस पढ़ाई जाती है। ठीक है, कभी कभी फाउंडेशन लेवल पे भी आपको बीआरएस कराया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बहुत जल्दी से खत्म कर देते हैं, ये बोलकर कि भाई ये आपके क्लास 11 में पढ़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो आपको आता होगा भाई क्लास 11 पढ़ा तो है, बट अभी क्लास 11 की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी फाउंडेशन लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है जी, आप समझो ये चीज। ठीक है, जो बीआरएस है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होनी, ये वो चैप्टर है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा आपका आएगा, आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है बीआरएस के ऊपर। तो मेरे साथ आप सबको सारी बातें समझ आई आज? ठीक है, हाँ सर समझ आई। ठीक है,
हमने यहां पे क्या देखा, सबसे पहले अभी आते ही पहले रिवीजन करते हैं क्लास के अंदर जल्दी से। सर सबसे पहले आपने बताया हमें रिकंसिलेशन क्या होती है, तो बेटा बता रिकंसिलेशन क्या होती है। सर रिकंसिलेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम दो रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, दो रिकॉर्ड्स को हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलेशन। हां जी सर, दो रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, ठीक है। जहां पर क्या देखते हैं जो फिगर्स है उनकी टैली कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर दो लोगों ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दो अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड हुआ है, हमें ये चेक करना है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोनों पार्टीज ने रिकॉर्ड करे हैं या नहीं करे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला पर्सनल लाइफ में भी आप क्या करते हैं रिकंसिलेशन कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर के केस में भी हम क्या कर सकते हैं रिकंसिलेशन कर सकते हैं। सर टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन में सर कौन कौन सी होती है, बैंक रिकंसिलेशन, कैश रिकंसिलेशन, स्टॉक रिकंसिलेशन, ये तीनों क्या है ऑडिट की टेक्निक्स है, ये मैंने आपको बता चुका था आपको। सर आप जल्दी से याद करवाओ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। वो सिर्फ हमें रीजंस बताए व्हाई देयर इज डिफरेंस, रीजन बता रहा है व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। मैं तो रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन के लिए अलग चैप्टर था हमारे पास, ठीक है सर, ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको, जब बात करी हमने यहां पे किस चीज की, बीआरएस की, तो बीआरएस के अंदर दो रिकॉर्ड चाहिए हमें, कैश बुक का रिकॉर्ड चाहिए और किसका रिकॉर्ड चाहिए, पासबुक का रिकॉर्ड चाहिए। कैश बुक के अंदर भी डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड होगी क्रेडिट साइड होगी, कैश बुक की डेबिट साइड मतलब वहां पे प्लस हो रहा है बैलेंस, कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहा है, कैश बुक में क्या हो गया बैंक कॉलम, कैश बुक का क्या हो गया बेटा आपका बैंक कॉलम, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पे डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब क्या होगा प्लस होगा, ठीक है जी। आइए जी अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बीआरएस नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। बीआरएस फॉर इंटरनल पर्पस, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, क्वार्टर, मंथ, कुछ भी हो सकता है। बीआरएस इज प्रिपेयर बाय कस्टमर नॉट बाय द बैंक, ठीक है जी। और बीआरएस क्या वन ऑफ द टेक्निक ऑफ ऑडिट, ठीक है जी। सर हमने यहां तक देख लिया, चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या दैट इज बीआरएस के बारे में, ठीक है। बीआरएस की हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, तो जी आप भी मेरे साथ क्या कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो आप स्टार्ट, ठीक है। जल्दी आप आ जाइए, आप भी स्टेटमेंट लीजिए बीआरएस की, मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आना ही नहीं है एग्जाम में, तो फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, हम जल्दी से इसको समझते हैं जी, ठीक है। बीआरएस पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ये अमाउंट है, प्लस वाले अमाउंट माइनस वाले पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। जब मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पे बैलेंस, तो बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बस इन शॉर्ट बैलेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव बैलेंस। जब मैं वर्ड लिख रहा हूं क्या यहां पर, अगर मैं लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मतलब क्या हो गया मेरा नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इज व्हाट नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एज्यूम करेंगे पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट इज व्हाट नेगेटिव बैलेंस, तो उसको माइनस साइड में लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पहले यहां तक ध्यान रखो जी सर, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां पे अच्छे से मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट कि कैसे आप आंसर देंगे आप, एड और लेस। हां जी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए हैं पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, क्या बोला मैंने, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से, आओ जो हम स्टार्ट करते जल्दी से। आप सबने एक फेमस ट्रांजेक्शन पढ़ा होगा, वो ट्रांजेक्शन क्या था, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या बोला मैंने, चेक इश्यूड, चेक जब मैं इश्यू करूंगा, इश्यू कहां से करूंगा, मैं इश्यू करूंगा, मैं आपको कस्टमर चेक इश्यू कर रहा है तो वो एंट्री कहां रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक के अंदर। कैश बुक में जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो चेक इश्यू करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो चेक इश्यू करते हैं, जब हमने पेमेंट करी चेक इश्यू करा तो वहां पर क्या हुआ, इमीडिएटली हमारा बैलेंस कैश बुक का डाउन हो गया, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया बेटा, डाउन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस तो डाउन हो गया। अब फिलहाल क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, और मुझे करना है क्या है, अब आप ध्यान दीजिए, मुझे इस बैलेंस को लेके जाना है कहां पर, दैट इज
बैलेंस एज पर पासबुक, कहां तक जाना है, बैलेंस एज पर पासबुक। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर हम सारे चेंजेस करते हैं, जहां पर हमें जाना है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। लाइक से फॉर एग्जांपल एक चेक जो हमने इश्यू करा, कैश बुक से तो लेस हो गया पर पासबुक से लेस नहीं हुआ, कैश बुक से तो लेस हो गया पर पासबुक से लेस नहीं हुआ। तो क्योंकि पासबुक से लेस नहीं हुआ और हमें बैलेंस जो कैश बुक का है वो मैच कराना है पासबुक के पास, हमें मैच कर किससे मैच कराना है, पासबुक से। तो इस सर्कमस्टांसेस में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस कहां करेंगे, कैश बुक के बैलेंस में करेंगे, पासबुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका उल्टा मीनिंग आप और क्या समझ सकते हो कि हमें क्या करना है, जैसा पासबुक में हो रखा है वैसे ही चेंजेस लेकर आने हैं कैश बुक के अंदर। तो इसका मतलब जब हमने चेक इशू करा कैश बुक से लेस हुआ पर पासबुक से अभी तक लेस नहीं होगी, अभी तक वो बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, आप समझना ये चीज। ठीक है, हम डीआरएस बना रहे हैं कब की, से फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च की। ठीक है, 31 मार्च 2020 की हम बना रहे हैं क्या, दैट इज कॉल्ड डीआरएस। आप समझना ये चीज। ठीक है, अब 31 मार्च 2020 की हमने डीआरएस बनाई, तो इस सर्कमस्टांसेस के अंदर मान लो 28 मार्च को हमने एक चेक इशू करा, क्या करा, चेक इशू करा 20,000 रुपए का, तो कैश बुक से लेस हो गए कितने, 20,000 रुपए। पर क्योंकि उस कस्टमर ने, जो भी आपका सप्लायर होगा उस पर्सन ने वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा, तो 31 मार्च तक, ठीक है, बैंक की पासबुक में वो चेक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है वो कब जाके 4 अप्रैल को 10 अप्रैल को जाके क्लियर कराए वो अपना चेक। तो यहां पे क्या हुआ, एक बुक में तो रिकॉर्ड हुआ, एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तभी प्रॉब्लम आई। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, सुनो मेरी बात, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए, या कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो दोनों बुक्स पे रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, वो डीआरएस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो 31 मार्च, अगर हम 31 मार्च का एग्जांपल, 31 मार्च से पहले दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन 31 मार्च से पहले दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो डीआरएस में नहीं आता, वो डीआरएस में नहीं आता। अब वो सारे ट्रांजेक्शन जो एक बुक में रिकॉर्ड हुए हैं और एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा बैलेंस डिफर करता है, और उन्हीं को हम कहां शो करते हैं, बीआरएस के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। अच्छा सर, तीन चीजें होंगी, ठीक है, एक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, बोथ द बुक्स का मतलब क्या हो गया, कैश बुक एंड पासबुक, ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए। और एक थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक बट नॉट इन अनदर बुक। मतलब एक बुक में तो रिकॉर्ड हो गया पर एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक बुक में रिकॉर्ड हो गया एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये जो चीज है ये चीज जाएगी बीआरएस के अंदर। मैंने क्या बोला, कंसेप्ट पे फोकस करो, एमसीक्यू अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक है, आप जड़ पे अटैक मारो, देखो कैसे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसके बाद। ठीक है जी, तो प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, तीन तरीके के पॉइंट्स होंगे यहां पर। नंबर वन, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। ठीक है, या फिर क्या हो गया आपका, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक बट नॉट इन अदर बुक। ठीक है, तो ये वाले दोनों पॉइंट जो होंगे बीआरएस में नहीं आएंगे, बीआरएस में नहीं आएंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट बीआरएस के अंदर आएगा। बात समझ आती है? हां जी सर, समझ आती है। ठीक है जी, चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आगे हमने क्या देखा यहां पर, दैट इज मैंने क्या बोला आपको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक से तो लेस हो गया पर पासबुक से लेस नहीं हुआ, तो कौन सा हो गया, थर्ड पॉइंट आ गया, एक बुक में रिकॉर्ड हुआ एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक से लेस हो गया पर पासबुक से लेस नहीं हुआ। और मैंने क्या बोला, हम कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम जाना कहां है, पासबुक के पास। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंसान है, जिसके पास जाना है वो भगवान है, और भगवान हमारे लिए कभी चेंज नहीं होगा, और इंसान को ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो पासबुक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक से भी रिवर्स कर दो. क्या कर दो? कैश बुक से भी कर दो, रिवर्स कर दो. आप लॉजिकल समझो, रिवर्स कर दो. तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने चेक इश्यू करा तो कैश बुक से क्या हो गया था, लेस हो गया था, पर पासबुक से लेस नहीं हुआ. तो इसलिए अगर वापस एड बैक कर दो, क्या कर दो, वापस एड बैक कर दो. तो यहां पे हम एंट्री करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ओके सर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है, इशूड भी हो गया, प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड. अप टू ऐसे लिख देते हैं, अप टू 31 मार्च. 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो मतलब 31 मार्च तक जिस दिन हम डीआरएस बना रहे, एक बुक में रिकॉर्ड हो गया, एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. अगर दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, तो वो डीआरएस में नहीं आता. अगर दोनों बुक में रिकॉर्ड हो जाता तो डीआरएस में नहीं आता. तो डीआरएस में कब आती है ट्रांजेक्शन, जब वो एक बुक में रिकॉर्ड हुई, एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई. सर आज तो ये बात समझ आ गई. ठीक है बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं. इसका रिवर्स, चेक रिसीव्ड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर बाय बैंक. मुझे मेरे कस्टमर से चेक मिला, कैश बुक में मैंने ऐड कर दिया, पर पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ. क्योंकि चेक कब आया था, मेरे पास चेक आया था 29 मार्च को. 29 मार्च को चेक आया, मैं तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लूंगा. कहां पे? कैश बुक के अंदर चेक मिल गया मुझे. ठीक है, पर वो चेक जब मैंने बैंक में डाला 31 मार्च तक, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ. वो क्लियर कब हुआ, मान लो वो क्लियर हुआ 3 अप्रैल को क्लियर हुआ. कब क्लियर हुआ? 3 अप्रैल को क्लियर हुआ वो चेक. तो सर्कमस्टांसेस में दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइमिंग की. हमारे यहां रिकॉर्ड हो गया 31 मार्च से पहले और उनके यहां रिकॉर्ड हुआ 31 मार्च के बाद. दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस. क्या बोलते हैं इसको हम? टाइमिंग डिफरेंस. ठीक है जी. तो सर्कमस्टांसेस में जब मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने कैश बुक में एड कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया पर पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा. और मैंने अभी भी क्या समझा, कैश बुक इंसान है, पासबुक कौन है? भगवान है. भगवान हमारे लिए चेंज नहीं होगा, हमें भगवान के लिए चेंज होना होगा. जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इंसान होता है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे कैश बुक है. कैश बुक को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को. तो कैश बुक कैसे चेंज करोगे अपने आप को? तो चेक जब हमने डिपॉजिट करा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बट पासबुक में क्योंकि अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ा, वापस उसको डाउन करना पड़ेगा. तो मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा. तो कर दो माइनस ना. तो क्या करेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट ओहो क्लियर्ड अप टू 31 मार्च. ठीक है सर, समझ आ गया सर. सर आओ मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं. मैंने क्या करा, चेक इश्यू करा, चेक इश्यू बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब सोचो क्या होगा इसका. चेक इश्यू करा बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो इसका मतलब चेक इश्यू करा. अब यहां पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं पहले पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं. लिखो देखो, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो यहां पे ये नहीं लिखा कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. हम अज्यूम करेंगे चेक प्रेजेंट हो गया बैंक में. ठीक है, चेक इश्यूड कहां पे प्रेजेंट हो गया? बैंक में प्रेजेंट हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, पासबुक से तो जो हमने चेक इश्यू करा किसी को, पासबुक से तो बैलेंस हमारा लेस हो गया, पर गलती से, हमसे गलती हुई सर, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा. तो पासबुक से लेस हो गया पर कैश बुक से लेस नहीं हुआ. और मैंने क्या बोला, अभी हम किसको ठीक करेंगे? कैश बुक को ठीक करेंगे. पासबुक को हम छू भी नहीं सकते. अगर पासबुक से कोई अमाउंट लेस हो गया तो क्या कैश बुक से लेस करना चाहिए? जी सर, जरूर करना चाहिए. कैश बुक से भी क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे. तो आप समझो डिफरेंस. इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या होगा, चेक इश्यू हो गया तो हम अज्यूम करेंगे प्रेजेंट भी हो गया. अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रेजेंट नहीं हुआ. तो चेक इश्यू हो गया और प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पासबुक से लेस हो गया. अगर पासबुक से लेस हो गया और कैश बुक से लेस नहीं हुआ तो कैश बुक से भी लेस करो. कैश बुक से भी क्या करो? लेस करो. इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो मुझे आप बताना. ठीक है जी, मैं आपको आंसर करूंगा उस चीज का. हम क्या लिखेंगे यहां पर, चेक इशूड बट नॉट recorded in cash book.
ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए जी, आइए जी, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहां पे वो किस चीज का आएगा बेटा, वो आपका दैट इज बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक इंटरेस्ट। बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, मान लो 31 मार्च का इंटरेस्ट बैंक ने हमें दे दिया। अब बैंक इंटरेस्ट घर पे देने की हमारी आएगी नहीं कि बैंक घर घर में घूम रहा है, ले लो इंटरेस्ट, ले लो इंटरेस्ट, ऐसा तो होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, अब बैंक हमारे अकाउंट में पहले इंटरेस्ट डालेगी, उसके बाद तो कैशबुक में एंट्री करूंगा, पहले कैसे कैशबुक में एंट्री हो जाएगी। अब 31 मार्च का इंटरेस्ट सपोज बैंक ने 1 अप्रैल को दिया, ठीक है, अब जब उसके बाद मैंने स्टेटमेंट मंगाई, अब स्टेटमेंट में क्या देख रहा हूं, मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। बैंक हमको इंटरेस्ट जब देती है, अलाउ करती है मतलब क्रेडिट करती है मतलब ऐड करती है, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है मतलब अलाउ करती है मतलब क्रेडिट करती है हमारे अकाउंट में मतलब ऐड कर देती है। ठीक है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमारे अकाउंट में ऐड हो गया पासबुक में, पर कैशबुक में ऐड नहीं हुआ। अभी मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैशबुक चेंज किसको होना पड़ेगा, कैशबुक को, पासबुक तो हमारे में चेंज होगी नहीं। तो इस सर्कमस्टांस में बच्चे क्या करेंगे, सर इस सर्कमस्टांसिस के अंदर हम क्या करेंगे, कैशबुक में बैंक इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जी सर, बिल्कुल सर, समझ आ गया सर। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, वेरी वेरी गुड बेटा। सर आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े। इसका रिवर्स क्या होगा, बैंक चार्जेस। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चे, एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, बैंक हमें पासबुक देता है, बैंक हम बैंक से स्टेटमेंट मंगाते हैं, बैंक उन सब चीजों के बदले में कंसोलिडेटेड चार्जेस हमसे चार्ज करता है। ठीक है, एनुअली या मंथली वट एवर, बैंक ने हमारे अकाउंट से सपोज 500 बैंक चार्जेस ले लिए, तो बैंक ने 500 बैंक चार्जेस ले लिए, तो बैंक चार्जेस जो है दैट इज लेस हो गए मेरी पासबुक से। अब पासबुक से लेस हो गए, पासबुक कौन है भगवान, कैशबुक कौन है इंसान, चेंज कौन होगा, कैशबुक। अब पासबुक से कोई आइटम लेस हो गया तो कैशबुक को भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ताकि कैशबुक का बैलेंस मैच हो जाए किससे, पासबुक से। तो सर यहां पे क्या करेंगे हम, दैट इज जो बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट इन कैशबुक, कैशबुक में हमने नहीं करा इसको। चलो सर, सर यहां तक हो गया, पर इसके बाद क्या है सर, ठीक है, इसके बाद देखो आप, कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है, हमारे कस्टमर ने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा, हमें पता नहीं चल पाया, तो हमने कैशबुक में उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करा, तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा घटेगा इससे, बेटा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो आप मुझे बताओ क्या हम कैशबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे? जी सर जरूर करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक था। ठीक है, तो इस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे, बैंक सॉरी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ठीक है जी। तो इसीलिए हो गई आपकी कि जहां पर हमने क्या देखा कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, पासबुक में तो ऐड हो गया पर कैशबुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैशबुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए जी, 7th पॉइंट पर आ जाइए, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारा कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो सरकमस्टांस में क्या हुआ, उस सरकमस्टांसेस के अंदर पासबुक से बैलेंस कम हो गया पर कैशबुक से कम नहीं हुआ, पर कैशबुक से भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया बेटा, ठीक है जी, तो ये चीज आपकी हो गई यहां पर, डन जी। अब आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज, अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो आपको यहां पे नेगेटिव में लिखना है, बाकी सब चीजें क्या होंगी आपकी सेम होंगी, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है।
तो ये चीज है, पहले आप बेसिक पूरा ढंग से स्टार्ट करो। ये 6 या 7 जो पॉइंट्स है मैंने आपसे डिस्कस करे, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आप ढंग से ध्यान दो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ आप। टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, बेटा दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस, एक परमानेंट डिफरेंस। एक टाइमिंग डिफरेंस और एक क्या होता है आपका परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज आपके जो ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। कोई भी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसको हम, टाइमिंग डिफरेंस। सर एग्जांपल देना, 2 एग्जांपल है बड़े बड़े मेरे पास, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नंबर 2 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कैश बुक में तो ऐड हो गए पर पासबुक में ऐड नहीं हुए, पर पासबुक में विद द पासेज ऑफ टाइम ऐड हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका इसके अंदर, दैट इज परमानेंट डिफरेंस। उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ट्रांजेक्शन को हमने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए अभी तक, तो क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। सर इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सर इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, परमानेंट डिफरेंस। सर जैसे सर बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कहां पर रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस, सर ये कहां रिकॉर्ड हो गया है, ये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ पर कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर और क्या हो गया, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, ये क्या हो गया, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं मिली। सारे डिफरेंस क्या है आपके, ये परमानेंट डिफरेंस। अब बताओ ये सब चीजें, ये ट्रांजैक्शन क्या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी, क्या हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी, करनी है बेटा, तो कैसे रिकॉर्ड होगी, ठीक है, हमें यहां पर उसको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपने यहां पर बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक, क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है जी। और ये जो टाइमिंग डिफरेंस है ये कहां पे आते हैं, सारे के सारे ये आते हैं बीआरएस के अंदर, कहां आते हैं बेटा, ये आप सारे के सारे बीआरएस में। तो ये दो टाइप के डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन बीआरएस में रिकॉर्ड, सॉरी जो भी ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं, तो हम बैंक से स्टेटमेंट मंगाते हैं और अपने कैश बुक के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करके अमेंडेड एक न्यू कैश बुक बनाते हैं और फिर उनको ठीक कर लेते हैं। मतलब वो डिफरेंस तो खत्म हो गए, क्योंकि वो पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, पर जो टाइमिंग डिफरेंस है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही बैंक कुछ कर सकता है। क्यों, जब तक वो बैंक के पास चेक नहीं आएंगे, बैंक क्लियर नहीं करेगा उन चेक्स को, तो सरकमस्टांसेस उनको बोलते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, दोनों की बुक्स में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। बस हमारे यहां 31 मार्च से पहले होते हैं, बैंक के पास 31 मार्च के बाद में होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहां पे शो करते हैं, इसलिए बीआरएस में शो करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है सर। तो ये आपका मैंने आज का कॉन्सेप्ट बताया आपको, वैसे टेक्निकली यही सारे कॉन्सेप्ट थे आपके, लेकिन एमसीक्यू जब हम करेंगे और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है जी। अब जैसे बीआरएस के अंदर देखो आपका हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो सकता है क्या हो, पासबुक हो, ठीक है जी। तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा या ओवरड्राफ्ट, या फिर क्या होगा बेटा आपका ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इस साइड में आएगा,
बाकी सब चीजें रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपका जो आइटम पहले अभी तक लेस कर रहे थे वो माइनस होंगे, जो माइनस कर रहे थे लेस हो रहे थे। अब जैसे याद करो, चेक इशूड बट नॉट प्रिवेंटेड, तो कैश बुक से लेस हो गया पर पासबुक से लेस नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यह करा वापस कैश बुक में एड किया था। कब? जब हम कहां पर थे, कैश बुक से पासबुक। आज हम जा रहे हैं पासबुक से कैश बुक की तरफ, तो अब यहां पे सारी एडजस्टमेंट कहां पे करेंगे, हम पासबुक में करेंगे, कैश बुक में कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक से लेस हो गया तो पासबुक को भी लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब चेक इश्यू जब हमने करा कैश बुक से तो लेस हो गया, कैश बुक से लेस हो गया, पासबुक से लेस नहीं हुआ तो पासबुक को भी करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं बेटा, इसको रिवर्स हो गया बस। ऑन द अदर एंड इसका रिवर्स मार दो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट कैश बुक में ऐड हो गया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसको हम प्लस कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है जी। हां जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको, ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं दैट इज बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट पासबुक में ऐड हो गया पर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैश बुक में ऐड नहीं हुआ तो क्या कर दो उसको माइनस कर दो। बैंक चार्जेस पासबुक से लेस हो गए पर कैश बुक से लेस नहीं हुए, तो क्या करो उसको वापस ऐड बैक कर दो, रिवर्स मार दो। तो ऐसे करके हर चीज अब क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी जब हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा और हमें जाना कहां पे है, कैश बुक की तरफ, ठीक है। इन चीजों को हम और बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के, तब मैं आपको और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूं आपके साथ। आज की क्लास में हमने रिकंसिलिएशन का मीनिंग समझा। रिकंसिलिएशन मतलब जब दो सेट्स ऑफ बुक्स को, दो सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड रिकंसिलिएशन, ठीक है। रिकंसिलिएशन कैश की भी होती है, स्टॉक की भी होती है, बैंक की भी होती है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, कैश बुक और पासबुक को हम क्या करते हैं यहां पर, दैट इज कंपेयर करके हम रीजंस ऑफ डिफरेंसेस ढूंढते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब वो डिफरेंसेस जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। सर परमानेंट डिफरेंस क्या है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। प्रैक्टिकल लाइफ में जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं उनको हम इमीडिएटली कैश बुक के अंदर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। और सिर्फ दो टाइप के डिफरेंस रह जाते हैं जो बीआरएस में आते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर करके। आई बात समझ, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, डन जी, ठीक है। अब जब हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जाते हैं या कैश बुक से पासबुक की तरफ जाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, तो अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से पासबुक है, ठीक है, तो चेंजेस किसके अंदर करेंगे, कैश बुक के अंदर करेंगे। जो ट्रांजेक्शन पासबुक में नहीं हुए तो कैश बुक से हटा देंगे, जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में हो गए, पासबुक में हो गए, कैश बुक में भी करेंगे उसको हम लेकर आ जाएंगे। और वैसे ही ऑन दी अदर एंड पासबुक से जब कैश बुक की तरफ जाएंगे सब कुछ रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, सब कुछ रिवर्स हो जाता है। ओवरड्राफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव साइड से होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, डन जी। तो हमने यहां तक करा आज, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे, मैं और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के रखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए जी, हम करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच बेटा।